नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया तो अब पक्ष और विपक्ष में बिल का श्रेय लेने की होड़ सी मच गई, लिहाजा इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं कांग्रेस ने बिल को मोदी का एक और स्टंट करार दिया है। कहने का मतलब ये कि सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन तो दे दिया है, लेकिन कुछ मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा भी जा रहा है। चलिए ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन तो दिया, लेकिन कुछ मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा दी। जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल करने की मांग उठाई, तो वहीं मायावती ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे चुनावी प्रलोभन बताया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी केंद्र सरकार से एसटी एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देकर बड़ा दिल दिखाने की बात कही है। डीएमके सांसद कनिमोजी ने इसे चुनावी वादा बताया है। सपा का पक्ष रखते हुए डिंपल यादव ने कहा कि सपा की हमेशा मांग रही है कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए। जब बीजेपी सरकार का एक दशक पूरे होने जा रहा है, अब सरकार को महिलाओं की याद आई है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में ये लागू हो गया नहीं। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और इस एक दशक में जब तो लगभग पूरा होने जा रहा है, तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है, तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है। चलिए, तो फिलहाल महिला आरक्षण बिल को जो खींचतान मची हुई है, लोकसभा में पेश हो चुका है। कल 7 घंटे तक की डिबेट चली और आज राज्यसभा में लेकर रण जारी है, विस्तार से चर्चा जारी है। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं जेपी नड्डा को आप सुन पा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे 69% ओनरशिप जॉइंटली या इंडिविजुअली महिलाओं के पास है, महिलाओं को। एलपीजी गैस कनेक्शन, मैं हिमाचल के गांव से आता हूं, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने गांव को मेरे को कितना देखा होगा, लेकिन हमारे यहां गांव में बहनें सुबह 4 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी। पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी, सवेरे उस लकड़ी को जलाती थी। और लकड़ी, कच्ची लकड़ी को जलाना कितना कठिन काम है और कितना धुआं निकलता है उसमें से, उसका अंदाजा लेना चाहिए। आंखों से पानी आ जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे, इस तरीके का जीवन जीती थी हमारी बहनें। आज एलपीजी गैस कनेक्शन के कारण, और एलपीजी गैस कनेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो उसकी भी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है, यानी 9 करोड़ लोग, 9.58 करोड़ बहने जिनको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया, और उसके माध्यम से उनको आज वो 5 मिनट के अंदर पतिदेव को भी चाय पिलाती है, घर को संभालती है, और उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं जल जीवन योजना के बारे में, मुझे याद है पहाड़ों में बहने 2-2 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरकर पानी लेने के लिए, एक घैला पानी लेने के लिए 2-2 घंटे लगाती थी, नीचे जाना, पानी लाना और फिर चढ़ाई चढ़ करके घर पहुंचना। ये परिस्थिति हमने देखी है।
आज जल जीवन मिशन में 10 करोड़ घरों को और 68% हमारा पानी का कनेक्शन का कवरेज दिया जा रहा है। मुद्रा योजना 70% लोन्स उसमें सैंक्शन हुए। ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बुराई, और उसमें भी मैं बता दूं जो आकाएं लंबे समय तक राज करते रहे उनको मालूम होना चाहिए, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन ईरान, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन इराक, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन सीरिया, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन इंडोनेशिया। ये सब मुस्लिम और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रदेश रहे, देश रहे, लेकिन हमारा भारत ट्रिपल तलाक चला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। आज ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अगर अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसी तरीके से धरती से चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंड करने वाले स्थान को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति के नाम से पहचाना। वहां भी शक्ति महिलाओं को जोड़ने का और उसको उसकी बात को कहा गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन पा रहे थे। राज्यसभा से ये सीधी तस्वीरें महिला आरक्षण बिल को लेकर जो खींचतान और महिला के संघर्ष का जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था और ये कहा गया जेपी नड्डा के द्वारा कि आज की जो महिला है वो सशक्त है। कैसे? सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है ये समझ नहीं आता, और आरक्षण को लेकर जो क्रेडिट लेने का जो खींचतान एक मची हुई है। लोकसभा में कल विस्तार से चर्चा हो रही थी और आज ये राज्यसभा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो महिला के संघर्ष के साथ साथ आरक्षण और उन तमाम योजनाओं का जिक्र कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए। आज महिला आरक्षण को लेकर मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला मिश्रा जी हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक पांडे जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं विवेक पांडे जी से। विवेक पांडे जी, लगातार कल लोकसभा की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, महिला आरक्षण बिल को लेकर अगर देखा जाए, जो बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षण का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या अगर 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाता है तो क्या वो इस दायरे में नहीं आएंगी? देखिए ने विवेक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी। ये पूरे देश की मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि जो मुद्दा समाजवादी लगातार उठा रही है और समाजवादी पार्टी का कहना गलत भी नहीं है। मेरी आवाज आ रही होगी जी? सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी जो मुद्दा लगातार उठा रही है उसका आशय ये है कि पूर्ववर्ती भर्तियों में जिस तरीके से हमने देखा कि सरकारी नौकरियों के कॉलम के आगे आज भी जातियों का कॉलम होता है, अगर आप महिला आरक्षण की बात करते हैं तो 33% सारी महिलाओं को, सारी अभ्यर्थियों को, सारी चयनित होने वाली जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी के नाम के आगे से जातियों का कॉलम हटा दीजिए, 33% का आरक्षण सीधे सीधे लागू कर दीजिए, हम तो उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें जिस तरह से सेंसस की बात की जा रही है, 2027 की बात आ रही है सामने, जिस तरीके से ये परिसीमन की बात आ रही है और सबसे बड़ी बात जातिगत जनगणना की बात आ रही है, ये कहीं ना कहीं स्वयं अपने आप में इस आरक्षण बिल को समय से पहले पूर्ण तरीके से तैयार किए बिना केवल और केवल राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2024 के परिप्रेक्ष्य में इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम पहले भी स्वागत कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप महिला आरक्षण 33% लागू करते हैं तो उस समय जब जातियों के आधार पे चयन किया जाएगा, जातियों के आधार पे जब डिवाइड एंड पॉलिटिक्स की जाएगी फिर से, तो वहां 33% आरक्षण लागू होगा, ये कैसे आप इसको सार्थक करेंगे? सिंडिकेट, जो एक सिंडिकेट होता है आरक्षण के नाम का, जैसे जो IAS है, जो IPS है, आज तक मोदी जी कभी भी
उज्ज्वला की योजना में सब्सिडी छोड़ने वालों से यह अपील ना कर पाए कि जो आरक्षण का लाभ लेकर के एक अच्छी स्तर की जीवन शैली तक पहुंच चुके हैं वो आरक्षण छोड़ दें। आईएएस आईपीएस मंत्री सांसद जो पिछड़े वर्ग से आते हैं वो भी उनके बच्चे भी उतना ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जितना कि वो आर्थिक रूप से सबल है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि इसका आरक्षण का सीधा सीधा लाभ क्या महिलाओं तक पहुंचेगा, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया पहले भी थी, आरक्षण की व्यवस्था तो पहले भी थी, लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे मामले सामने आते हैं तब आपके आरक्षण और आरक्षण को लेकर के नियति पे सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि आरक्षण का प्रारूप अभी तक महिला आरक्षण का प्रारूप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी का जिसमें वो घोर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं इस बिल का। तो मुझे लगता है कि देखिए मानसिकता नहीं बदल सकती है और नियति अगर आपको बदलनी है तो आज दिल्ली में जिस तरह से एक प्रोफेसर को केवल पिछड़ा वर्ग का होने की वजह से बाहर कर दिया गया है, वो बेचारी धरने पे बैठी है कॉलेज के कैंपस के बाहर, तो मुझे लगता है कि अभी भी सोचने की आवश्यकता है कि आरक्षण राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आप ला रहे हैं या आरक्षण वास्तव में आप महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए ला रहे हैं। क्योंकि जब नई लोक नई संसद का उद्घाटन करते हैं तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त कंगना रनावत जो अभिनेत्री है वो वहां पर उपस्थित होती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर के सम्मान, महिलाओं को लेकर के जो सामाजिक स्थिति और महिलाओं को लेकर के जो आपकी नियत है उसको स्पष्ट करने की थोड़ी आवश्यकता है। और अगर 27 परिसीमा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और प्रमिला पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं। विवेक जी रुक कर लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, क्या आप देख पा रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर जो घमासान मचा हुआ है लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक? कल आपने सुना होगा किस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई और एक होड़ कांग्रेस कहती है ये कांग्रेस ने लाने का काम किया क्योंकि 2010 में यूपीए ने राज्यसभा में इसे पास कराया था, तो जाहिर सी बात है अब ये इसमें खींचतान मचा हुआ है। और क्या राजनीतिक दृष्टिकोण आप देख पा रहे हैं, क्या परिपेक्ष आपको नजर आ रहा है, मंशा क्या नजर आ रही है? देखिए सोनी जी आधी आबादी को भाजपा सरकार ने लक्ष्य बना के से तमाम ऐसी योजनाएं लाए, चाहे वो उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे राशन कार्ड में उसको मुखिया बनाने का मामला रहा हो, चाहे आवास वाले मामला रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, कहीं ना कहीं उन्होंने इस योजनाओं के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी, जैसे अभी तक जो कहते थे कि निर्बल नारी, तो अब निर्बल नारी नहीं रही, नारियां अब बसें भी चला रही हैं, प्लेन भी उड़ा रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। तो कहीं राजनीतिक लाभ, जाहिर सी बात है कि जब सरकार है और एक राजनीतिक दल है तो वो राजनीतिक लाभ भी इसका लेंगे और अपनी योजना जब चुनाव होगा तो इसका प्रचार भी करेंगे, लेकिन कुल देख तो महिलाओं को कैसे। बिल्कुल आलोक जी, जैसे कि आपने विवेक पांडे जी को सुना होगा, विवेक जी कह रहे हैं ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिहाज से ये महिला आरक्षण पेश किया गया है लोकसभा में, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन मंशा क्या वाकई महिलाओं की स्थिति को लेकर है गंभीर नजर आ रही है सरकार की ऐसी मंशा? देखिए सोनी जी, भले ही मोदी सरकार की मंशा की हो, लेकिन अगर इसके पीछे 35% महिलाएं को मिल जाएगा सिखाएंगी तो उनको तो फायदा मिलेगा ना, ठीक है, राजनीतिक फायदा होगा, राजनीतिक लाभ के लिए ट्रिपल तलाक हो जी। आलोक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार रुख हम दूसरे मेहमान का कर लेते हैं। प्रमिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आलोक जी इसके बाद तकनीकी खामी ठीक होती है तो हम आपका रुख करेंगे। प्रमिला मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हाईकोर्ट की अधिवक्ता जुड़ी हुई हैं। प्रमिला मिश्रा जी, इस महिला आरक्षण को जो लोकसभा में पेश हुआ अब राज्यसभा में भी इसको लेकर चर्चा जारी है, तो इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए अभी जैसे कांग्रेस ने ये कहा, हम मैं पहली बात स्पष्ट कर दें कि किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है जी, भारतीय नागरिक होने के नाते जो भी बात कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते क्या ये आरक्षण जरूरी है? नहीं, महिला आरक्षण अगर आपने दे दिया तो ठीक है, सब तरफ आप आरक्षण दे दे, नाम भर का आरक्षण होने से कोई फायदा है नहीं। अगर जो कांग्रेस कह रही है कि हम इसको पहले लाए थे जी,
दूसरी पार्टी किसी ने कहा इसमें ओबीसी को अलग आरक्षण चाहिए, बीएससी को अलग चाहिए, सबको अलग चाहिए, महिला को पहले महिला तो होने दो तुम। खाली महिला आरक्षण हो गया इतना पर्याप्त है, अब जरूरी नहीं आप अपने सबको लेके आइए, कोई जरूरी थोड़ी अब अलग अलग टुकड़ों में आरक्षण मांगने में सब कुछ आरक्षण नहीं हो जाएगा तो कभी कोई चीज सफल हो ही नहीं सकती। 5 मिनट दीजिए, हम कोर्ट में हैं। और अगर ऐसा ही करना था तो इनको पहले बोलना चाहिए था ये सब बातें, उसमें डिकोड करनी चाहिए थी कि इतना परसेंट एससी का होगा, इतना ओबीसी का होगा, इतना विकलांग का होगा, इतना अन्नो का होगा, ये सब पहले से स्पष्ट कर देना चाहिए था। अगर नहीं है तो आप महिला रखिए और पुरुष रखिए, खाली इतना ही आरक्षण पर्याप्त है। आपको किसको टिकट देना है ये तो आपके हाथ में है ना, आप उसको टिकट दीजिए। पब्लिक जिसको पसंद करेगी, जब आप पर राजनीतिक है ना तो पब्लिक जिसको पसंद करेगी उसको जिताएगी, नहीं पसंद करेगी नहीं जिताएगी। उसमें आप ये बात क्यों बार बार लेके आते हैं कि इतना परसेंट इनका होना चाहिए, उतना परसेंट उनका होना चाहिए। वो माननीय उमा भारती जी ने भी कहा कि इसमें इनका नहीं किया है, ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, एससी आरक्षण होना चाहिए, ये मत करिए। महिला आरक्षण है उतने पर्याप्त है, टिकट देना आपके हाथ है, वोट देना जनता के हाथ में। बिल्कुल, कहाँ कहाँ आरक्षण मांगते रहेंगे, देश इसी में बिका जा रहा, बर्बाद हो रहा है। हम इसके पक्ष में कतई नहीं है, अगर महिला आरक्षण दिया है उसका आप स्वागत करिए, सम्मान करिए, बस उतना पर्याप्त है। ठीक है, जो आप सहमत हो ना हो ये हम नहीं मानते इस बात को। ठीक है, महिला आरक्षण होना चाहिए और महिला आरक्षण के दायरे में मुझे लगता है हर एक महिला आती है, वो किसी भी वर्ग की हो। वक्त महिला आरक्षण को लेकर खींचतान पक्ष और विपक्ष के बीच नजर आ रही है और इसी को लेकर लोकसभा में भी कल चर्चा हुई और आज राज्यसभा की भी तस्वीरें आपके सामने रखी। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार बहस जारी है। आपको बता दें हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण पेश हो गया लोकसभा में, इसके बाद जिरह जो है वो राज्यसभा में जारी है और इसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें, विवेक पांडे जी आपका रुख कर लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण क्यों जरूरी है, जबकि आपने सुना होगा ये बात बार बार निकल कर सामने आती है कि टिकट देना तो पार्टी के हाथ में होता है, वो किसी भी वर्ग विशेष महिला को टिकट दे सकती है, ऐसा होता तो नहीं है। आरक्षण मिल जाने से क्या ये कंपलसरी हो जाएगा? विवेक जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सुन पा रहे हैं? मैं सोनी जी इस आरक्षण की नीतियों का पक्षधर ही नहीं रहा कभी। मैं हमेशा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण एक समुदाय के लिए होना चाहिए, एक लिंग भेद के आधार पर अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो उसमें जातियों का स्थान होना मुझे लगता है आरक्षण की नीति पे पहले ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा है। तभी मैंने कहा कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिला कैंडिडेट होंगी या जो महिला प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करती हैं, अलग अलग नौकरियों की तैयारी करती हैं, सरकारी सेवाओं में चयन की तैयारी करती हैं महिला अभ्यर्थी, उनके नाम के आगे से जाति का कॉलम फिर आपको हटाना पड़ेगा। 33% आरक्षण में भी अगर आप आरक्षण ढूंढने की कवायद करेंगे तो यकीन मानिए यह आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं रह जाएगा, ये राजनीतिक लक्ष्यों का एक हिस्सा बन के रह जाएगा, राजनीतिक दलों के बीच में एक भेद बन के रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे देश की सरकार या राजनीतिक प्रणाली जो रही है उसमें अब बहुत नितांत आवश्यकता है सुधार करने की, क्योंकि राजनीतिक दल इन्हीं आरक्षण की बॉल को फुटबॉल बना बना करके केवल और केवल जनता को भ्रमित करके रखते हैं और जनता को कुछ हासिल नहीं होता है। जिस तरह से एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिस तरह एक सवर्ण आरक्षण की बात आई थी 10% की, आज तक उस सवर्ण आरक्षण का लाभ शायद ही किसी सवर्ण को मिला हो, मुझे तो संशय है। और उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं, जब आपकी नियति आरक्षण महिला आरक्षण को बिल को पेश करने की थी तो ये आप पहले भी कर सकते थे। आगामी चुनाव देखिए टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, जब आपको पता है कि परिसीमन लागू हुए बिना, सेंसस को कंप्लीट किए बिना आप आरक्षण को लागू ही नहीं कर सकते तो इस आरक्षण को बिल को लाने का मतलब ही क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है कल दो मतों को छोड़ के सभी ने बहुमत इसलिए दिया है क्योंकि कोई भी ये टैग अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता कि वो महिला विरोधी मानसिकता का है, भले वो पूर्ववर्ती में बिल के आते समय या बिल को लागू करने के लिए जो क्रियान्वयन किया गया चाहे वो किसी सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, आलोक जी, आलोक जी का रुख कर लेते हैं। वर्तमान वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो है वो इस समय ये कहती है कि जो इस बिल का विरोधी होगा वो देश विरोधी घोषित हो जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी कर गई, जल्दबाजी से इनको बचने की आवश्यकता थी। और अभी भी मैं कहता हूँ इसको आप अभी भी लागू कर सकते हैं लेकिन उसमें उसमें 3-4 कॉलम जो है, 3-4 जो एक्ट संशोधन करने के लिए है जिसकी की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है, उनको आप हटा दीजिए, एक ऑर्डिनेंस पास करा दीजिए जिस तरह कल बिल पास हो गया कि भाई जातियों के आधार पर नहीं होगा और महिला अभ्यर्थी अब जो भी चाहे परीक्षाओं में बैठेंगी चाहे वो सरकारी सेवा की हो
चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सरकारी सेवाओं से। चलिए आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, इस बात से कितना सहमत हैं आप? विवेक पांडे जी जो सवाल उठा रहे हैं कि जातियों का एक जो कॉलम है, जाति को आधार ना बनाया जाए, महिला आरक्षण अगर 33% दिया जा रहा है तो वो फिर ये नहीं होना चाहिए, वो कॉलम ही समाप्त कर देना चाहिए। और मुझे लगता है अगर 33% आरक्षण है महिला आरक्षण, तो इस बात का समर्थन होना चाहिए, लेकिन जाति वर्ग शेष के लिए एक पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए और इस दायरे में सभी को आना चाहिए, महिलाओं को। सोनू जी, मेरी आवाज आ रही जी? सुन पा रहे हैं जी? देखिए, विवेक जी का सवाल इस समय को लेकर भी है, जो चुनाव से ठीक पहले ये जो महिला आरक्षण का जिक्र किया गया, इसे पेश किया गया, हालांकि ये लागू 2024 के बाद भी नहीं हो पाएगा, ऐसे भी मंशा नजर आ रही है। सरकार राजनीतिक दल है तो ये जाहिर सी बात है कि जनता का फायदा तो सोचते हैं, लेकिन उसके पहले अपना भी फायदा देखते हैं, अपनी पार्टी का लोग ये देखती है नहीं देखती है तो ये। लेकिन कुल मिला के अगर ये देखिए कि ये इस योजना से, इस अभियान से अगर कुछ, जिस तरह से महिलाओं को जो आधी आबादी को उन्होंने जोड़ने का काम किया है, जो अभी थोड़ा सा अलग थी, तो अब इन 33% आरक्षण से ठीक है आज नहीं तो कल ये लागू हो जाएगा, तो उससे कम से कम उनकी सीटें आरक्षित हो जाएगी। अभी तक आरक्षण की बात होती थी, लेकिन जब टिकट का नंबर आता था तो राजनीतिक दल वहां पे कई बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर के टिकट ना देते थे, तो लेकिन जब आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी तो उनकी भी मजबूरी होगी कि उनको टिकट देना है, ये देना है। तो ये महिलाओं को भी स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक काम है, और राजनीतिक फायदे की दृष्टि से देखें तो ठीक है, उन्होंने अपने फायदे के लिए ये काम किया है, चुनाव है तो जाहिर सी बात है राजनीति कर रहे हैं, उनका काम ही नेतागिरी करना है, तो वो इस तरह की योजनाएं को सरकार चुनाव से पहले लाती है। लेकिन दूसरा रूप देखिए तो महिलाओं के फायदे के लिए भी है, चाहे वो सभी महिलाओं के लिए। प्रमिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रमिला जी, कितना फायदा लगता है कि अब महिलाओं को आरक्षण 33% अगर मिल जाएगा तो बेनिफिट होने वाला है, या फिर इसमें सिर्फ राजनीतिक फायदे ज्यादा है ना कि महिलाओं के फायदे ज्यादा है? मैडम देखिए, राजनीतिक फायदा है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, चुनाव से घोषणा, और जिनको आपत्ति हो रही है उनको भी ये बात सोचनी चाहिए, इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियों ने ये काम किया है, आज पहली बार ये नहीं हुआ है कि जितने चुनावी वादे होते थे वो चुनाव के टाइम पे ये इमीडिएट पहले कर दिए जाते थे, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आरक्षण अगर मिल गया है तो बस इतने पे ही, पहली बात तो हम आरक्षण के बिल्कुल पक्षधर कभी नहीं है, आरक्षण देके और जातिगत आरक्षण देके आप एहसास कराते हैं आप फला जाति के हैं, अगर हम किसी को जातिगत संबोधन करते हैं तो हमें सजा हो जाती है, हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाता है, और आप चिल्ला चिल्ला के फला जाति के हैं, हमारा आरक्षण होने के मानते, तब आप क्यों नहीं शर्मिंदा होते हैं उस जगह पे भाई? चाहे जितने राजनीतिक पार्टियां हैं ये अगर मांग रही है जातिगत आरक्षण, वो गलत मांग रही है, आप उसको मत मांगिए, आप आरक्षण एक हो गया काफी है, तब बार बार उस बात को अपने आप को कह के और खुद को एहसास कराते हैं, उनको भी एहसास कराते हैं आप फला जाति के हैं, अगर आरक्षण आपको जातिगत चाहिए तो जातिगत आरक्षण ऑलरेडी आपका है, उत्तर परसेंट आप वहां चले जाएंगे। राजनीतिक पार्टियां ये अच्छे से जानती हैं कि किस बिना पे आम जनता को अपने पाले में करना है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से समर्थन और समर्थन के साथ साथ सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर कि चुनाव से ठीक पहले महिला आरक्षण का जिक्र क्यों, 27 साल बाद ये बिल लोकसभा में पेश होता है, अब राज्यसभा में जंग जारी है इस महिला आरक्षण बिल को लेकर, कितना समर्थन मिलता है, क्या परिसीमा निकल कर सामने आता है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि आपने पेश तो कर दिया लेकिन 2024 के बाद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि ये चुनावी लॉलीपॉप है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।